कृषि मंत्री रामविचार नेताम रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में एक्सीडेंट के बाद से भर्ती हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लगातार उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले लोग अस्पताल उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं। अस्पताल में उनसे मिलने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे। वहीं कृषि मंत्री ने लोगों की उनके प्रति चिंता के बीच विस्तार न्यूज से बातचीत की और कहा कि लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझे प्रेम दिया है, उसकी वजह से मैं जल्द वापस आया हूं, मेरी हालत में जल्द सुधार हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं रामविचार नेता, सुनिए। अस्पताल पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में बाहर चिंतित हैं, लेकिन उनकी दहाड़ जारी है, बता रहे हैं सब ठीक है। इसी चिंता को देखते हुए हम उनके पास पहुंचे हैं। हमने भी स्वास्थ्य उनका जानने का ठाना है और पूरे प्रदेश को भी बताने का ठाना, उन्हें जानते हैं। कैसे हैं कृषि मंत्री जी? लोगों का, आत्मीयजनों का, मेरे परिवारजनों का, पूरे प्रदेश के हमारे आत्मीयजनों, भाइयों बहनों का, बुजुर्गों का, उनके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बहुत लोग देखना चाहते हैं और ख़ासकर आपके चेहरे की चोट को लेकर चिंतित थे। ये सामने फ्रैक्चर है, चेस्ट में है दर्द है, और राइट साइड का लेग और नी पैरों में और आँख के ऊपर। मैं जल्द स्वस्थ हो करके आप लोग के बीच में आऊँगा। कहते हैं घायल शेर की सांसें दहाड़ से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब लग रहा है कि आप और नई ऊर्जा के साथ वापसी करने वाले हैं, जिस तरीके से अपार जनता का प्रेम मिल रहा है। लोगों का आशीर्वाद मिला है, उसके आधार पे हम जो भी जीवन है वो तो लोगों के लिए समर्पित है, काम करते रहेंगे।